ओके, सो सबसे पहले ये बताओ, स्क्रीन दिख रही है? ठीक यस सर, है, ठीक है। ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले ये बात करते हैं कि कल जो डिस्कस हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को ऐसा करना है कि दोबारा रिवाइज करना है? देखो, ये पूरा सेशन, जैसे तुम लोग का बैच दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, पूरा पर्पस है कि अब जो कुछ पढ़ाई हो वो एक एक चीजें समझ में आनी चाहिए, और जितने लोग हैं अभी मीटिंग में, 66 से 66, सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए हल्का सा अब हर चीज थोड़ा रिवाइज वाले मोड में होगा, थोड़ा इजी भी पढ़ाऊंगा और मीडियम भी पढ़ाऊंगा, दोनों चीज। मैं अभी भी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये फ्रिक्वेंसी काउंटर का या फिर हैशिंग का, उसमें अब इजी और मीडियम मिक्स करके करूंगा। पहले मैं सिर्फ मीडियम कर रहा था, ठीक है? कोई पर्पस है, सबको समझ में आए, सबसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? तो सबसे पहले ये बताओ कि कल जो डिस्कस हुआ था उसमें किसी को भी कोई भी एक छोटी सी चीज, कुछ भी जो नहीं समझ में आई हो वो अभी बताओ। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, बिग ओ नोटेशन दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो एक चीज जो हमने कल सीखी थी, हमने कल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीख ली, ठीक है? अब बहुत टाइप के नोटेशंस होते हैं, हमने नोटेशन पहले ही पढ़ लिया है ये रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे नोटेशंस होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला नोटेशन जो होता है वो होता है बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, ठीक है? वही जो डिस्कस होगा मोस्ट प्रोबेबली तुम में से बहुत लोगों ने पढ़ लिया, तो एज अ रिविजन बस सुनो। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन क्या डोनेट करता है? ये डोनेट करता है अपर बाउंड को, अपर बाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच आवर एल्गोरिदम विल टेक बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ इनपुट वी आर गिवेन, विच आवर कोड में लिखता हूँ, एल्गोरिदम नहीं लिखता, विच आवर कोड विल टेक बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ इनपुट गिवन टू अस। मतलब अपर बाउंड ही मतलब वर्स्ट केस, मतलब कि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती, वो डोनेट करने के लिए बिग ओ नोटेशन यूज होता है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सारे नोटेशन समझते हैं, ठीक है? मैंने बबल सॉर्ट पढ़ाया था, ठीक है? अब मुझे चैट में बस इतना लोग बताओ कि बबल सॉर्ट किसको किसको याद है? बबल सॉर्ट आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उसका एग्जाम्पल लेके बिग ओ नोटेशन समझाऊंगा, किसको किसको बबल सॉर्ट याद है? बहुत छोटी सी एल्गोरिथम थी, देखो बहुत छोटी सी, इसको तुरंत समझ लेते हैं। इसको यहाँ कॉपी करते हैं, समझते हैं तुरंत, ठीक है? तो इसको व्हाइट बोर्ड पे कॉपी करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये वो है बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम है, ठीक है? इसको ये, ठीक है, ठीक है, ये बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम है, ठीक है? बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में क्या हो रहा था? बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में हम एक एरे ले रहे थे, ठीक है? कोई एक एरे ले लो, उसमें कुछ नंबर डाल दो, 5, 7, 2, ये क्या आ रहा है यार, ऐड, हाँ 5, 7, 2, 1, 3। पर्पस था कि बबल, इसमें बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज करना है, उस अरे को सॉर्ट करना था, ठीक है? उसके लिए हमने ये कोड पढ़ा था, ठीक है? और हमने क्या देखा था, यहाँ तुम देखोगे हम क्या कर रहे थे, एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और देखेंगे इसकी बिग, इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफरेंट है, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक बार फिर से बबल सॉर्ट रिवाइज कर दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं याद है उसके लिए जल्दी से, ठीक है?
बबल सॉर्ट में क्या होता था? बबल सॉर्ट में हम एरे को चलाते थे यहां से लेके यहां तक, मतलब जीरो से लेके एन माइनस टू तक, एन माइनस टू तक, लास्ट तक नहीं जाएंगे, ठीक है? एन माइनस टू तक एरे को चलाते थे सबसे पहले लूप में, ये लूप में, ठीक है? उसके बाद फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी आई, हम एक और लूप चलाते थे। वो लूप कहाँ से कहाँ चलता था? वो लूप चलता था उसके बाद वाला तक, मतलब ऐसे जे इज लेस देन एन माइनस आई माइनस वन तक। मतलब अगर आई जीरो है, आई अगर जीरो है तो ये कहाँ तक चलेगा? एन माइनस जीरो माइनस वन लास्ट तक चलेगा। अगर आई यहाँ है तो ये यहीं तक चलेगा, मतलब तुम समझ रहे हो ना, वैसा चलेगा। मतलब इस नंबर को ले रहे हैं और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? फिर इसी नंबर को इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसी को इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करते जा रहे थे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे नेस्टेड लूप हो रहा है, एक दोनों लूप एन तक जा रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, ये भी एन पे डिपेंड कर रहा है, ये भी एन पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों नेस्टेड है। तो हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर नेस्टेड होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओ एन इंटू एन हो जाएगी, ठीक है? ये इसकी एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट करने के लिए ही बिग ओ नोटेशन यूज होता है। ये जो हम बोलते हैं ना ओ ऑफ एन, ये ओ वही ओ है, बिग ओ है, कि ये ओ ऑफ एन इंटू एन टाइम्स हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब हम हर एलिमेंट्स को नेस्टेड वे में दो बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है? ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी, और एवरेज भी यही होगी। लेकिन एक और केस आता है जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो जाती है, वो केस आता है बेस्ट केस। उस केस में क्या होता है? ठीक है, एक और केस देखो। एक और एक एरे जो पहले से सॉर्टेड है, ठीक है? मान लो ऐसा कुछ एरे है, टू फोर सिक्स एट नाइन, ठीक है? ये ऐसा कोई ऐसा एक एरे है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ऐसा एक एरे गिवन है। अब इस एरे में सेम एल्गोरिथम लगा लगा सेम एल्गोरिथम जो यहाँ पे लग रही थी, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ ये देखो सेम चीज, ठीक है? अब तुम देखोगे कि हमने एक बूलियन डिक्लेयर कर रखा है एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाने के लिए, स्वैप इक्वल टू फॉल्स, एक बूलियन है। और वो बूलियन क्या चेक कर रहा है? वो चेक कर रहा है क्या इस नंबर के लिए, मतलब फॉर ये वाले लूप में आ जाओ, इस लूप में, सबसे पहले वाले लूप में जो यहां से यहां तक चलेगी, सेकेंड लास्ट तक चल रही है, हर नंबर को पकड़ रहे हैं और उस हर नंबर को उसके पहले वाले हर नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब टू का कंपैरिजन किससे, इसका कंपैरिजन किससे होगा? इसका कंपैरिजन इससे भी होगा, 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 ठीक है? तो कंपेयर कर लो, कोई ऐसा नंबर है? फोर इस टू से छोटा है? नहीं। सिक्स टू से छोटा है? नहीं। एट टू से छोटा है? नहीं। नाइन टू से छोटा है? नहीं। हमने देखा कि हमने कंपेयर किया और ये देखा कि एक भी बार स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ा है, एक भी बार स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ा है, मतलब वो कभी भी स्वैप वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो फॉल्स या फॉल्स रह गया, फॉल्स या फॉल्स रह गया। इसका क्या मतलब है कि एरे पहले से सॉर्टेड है। उस केस में ये इस लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और कह देगा कि हाँ एरे सॉर्टेड है, ये बेस्ट केस है। बेस्ट केस मतलब एरे पहले से सॉर्टेड है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? सिर्फ बाहर वाली लूप चलेगी, मतलब हमने एक बार में पकड़ लिया, एक ही बार में, कि हमें अंदर वाले लूप में अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। इफ स्वैप इक्वल टू फॉल्स, मतलब एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नंबर इस वाले नंबर से छोटा आ जाए, मतलब सब कुछ तो सही है फिर, ठीक है? तो उस केस में ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के एरे पहले से सॉर्टेड है। उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी को डोनेट करने के लिए एक सिंबॉल यूज होता है, वो सिंबॉल है ओमेगा। तुमने मैथ्स में पढ़ा है ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा एन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो फॉर बबल सॉर्ट तुम बोल सकते हो, फॉर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर है और एवरेज भी ओ एन स्क्वायर ही है, लेकिन बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन के टर्म्स में है, लीनियर है।
ठीक है, और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को डोनेट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है ओमेगा। ठीक है, अब हमने दो सिंबल पढ़ लिए हैं, अब एक और सिंबल है, वो सिंबल है इसका वर्स्ट केस, ये सॉरी एवरेज का। हमने यहाँ पे देखा था ना एवरेज, एवरेज को डोनेट करने के लिए भी एक सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं थीटा। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, वर एवरेज को डोनेट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको बोलते हैं थीटा। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ एन है जो लीनियर है। ठीक है, ये बस तीन सिंबल तुम्हें याद रखने हैं, ज्यादा काम नहीं आते, सबसे ज्यादा काम तो ओ एन ही आएगा, क्योंकि सारा इंटरव्यूअर तुमसे यही पूछेगा कि तुम्हारा एल्गोरिदम सबसे ज्यादा टाइम जिस केस में लेता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। हम हमेशा लार्ज डेटा सेट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी अब मैंने ये बोला था, कहाँ गया ये, बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड को बता रहा है कि इससे ज्यादा टाइम तो हमारा एल्गोरिदम नहीं लेगा। ठीक है, वो अपर बाउंड से पीपल आर कंसर्न, किसी को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा एल्गोरिदम सबसे कम टाइम में भी चल सकता है, तो वो टाइम कितना होगा, सबसे ज्यादा टाइम जितना, सबसे ज्यादा वाला नंबर जितना छोटा होगा उतना बेटर। ठीक है, तो एवरी वन को जो तुम इंटरव्यू में पूछेगा वो बिग ओ नोटेशन पे ही बात करेगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग को जानना चाहिए, इसीलिए वर्स्ट केस बिग ओ, एवरेज केस थीटा, और बेस्ट केस ओमेगा, ये डोनेट करने का तरीका है। ठीक है, अब ये तीनों सिंबल में कोई प्रॉब्लम चैट में बताओ। ठीक है, और स्पेस को जनरली ना एक ही होती है, स्पेस में कोई बेस्ट एवरेज ऐसा कुछ नहीं होता है, बेस्ट में जनरली बिग ओ नोटेशन ही यूज होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जहां बताती है। ठीक है, तो डायरेक्टली बिग ओ यूज करके बोल दो। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक चीज बताओ, कल हमने क्या किया, हम एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, तुम लोग को अब पता चल गया कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तुम्हें ये भी पता चल गया कि किसी एल्गोरिदम में नोटेशन देख के कैसे बता सकते हैं, मतलब किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, या फिर किसी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी चीज अगर रिकर्सन यूज हो रहा है कहीं क्वेश्चन में, मतलब कहीं तुम्हारे सोल्यूशन में, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक और चीज क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रिकर्शन के केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी को याद है वो लॉग एन वाली चीज जो हमने कल पढ़ी थी, मतलब किसी को याद है, मुझे लगता है याद होनी चाहिए। और यस सर, लोग तुम लोग क्या बोल रहे हो, मीन्स अगर लूप एन टाइम्स चल रहा है तो बिग ओ नोटेशन ऑफ एन नहीं थीटा ऑफ एन बोलेंगे। भाई देखो ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला देखो समझो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें जनरल टर्म्स में वर्स्ट केस पे ही बात करनी है, तुम उसे ओ के टर्म्स में ही बताओगे, बिग ओ के टर्म्स में। ठीक है, और मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बोला था कि सिर्फ लूप नहीं देखते हैं, लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है वो देखते हैं, मतलब एक फॉर लूप है जो वन से लेके एन तक चल रहा है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है जो हर इस वाले नंबर के लिए वन से लेके टेन तक चल रहा है। इस केस में बताओ तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बताओ। सर ऑर्डर ऑफ एन ये कुछ ऐसा 10n आएगा, तो 10n को हम लोग ओ ऑफ एन भी बोल सकते हैं, लॉग इन नहीं होगा भाई, लॉग इन कैसे होगा, ये नेस्टेड लूप था। ठीक है, नेस्टेड लूप तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये 10 ही चलेगा, ये हमारे इनपुट साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट है, उसको तुम हम लोग छोड़ सकते हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो m इंटू एन होगा, m इंटू एन, जहां पे m 10 है तो 10 इंटू एन को डायरेक्टली एन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट पे मैटर पे डिपेंड कुछ नहीं करता है, हमें बस अपने इनपुट के लेंथ पे बताना है। ठीक है, ये चीज
तो अगर कोई पूछ रहा है कि थीटा, जैसे आलोक पूछ रहा है, एन टाइम्स चल रहा है तो बिग ऑफ एन होगा, और थीटा देखो थीटा कहाँ यूज करेंगे, थीटा सिर्फ और सिर्फ एवरेज केस में यूज करेंगे। कि अगर कोई तुमसे पूछा कि एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जनरेट करते हैं, तब तुम बोलोगे कि हाँ इसकी इसकी कहाँ गया बबल सॉर्ट, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है वर्स्ट केस, और एवरेज भी ओ ऑफ एवरेज थीटा ऑफ एन स्क्वायर होती है। फर्क बस इतना है कि डोनेट करने का तरीका अलग है। मतलब अगर बबल सॉर्ट का केस लो, बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस कब आएगा, बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस कब आएगा कि गिवन एरे रिवर्स में सॉर्टेड है, गिवन एरे रिवर्स में सॉर्टेड है, मतलब उल्टा सॉर्टेड है, मतलब ऐसा है 9 8 7 6 5, और उस पे हमें ये एल्गोरिदम लगाना है, ठीक है। तो उसमें तो हमें पता है कि वर्स्ट केस मतलब लूप को दो बार चलाना होता है, तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज केस में मतलब रैंडमली, मतलब रैंडम जंबल नंबर है, 7 1 3 2 4, अगर तुम देखोगे ये रैंडम, ये जंबल नंबर है, एवरेज केस है, ठीक है। इस केस में भी लूप दो बार चलेगा, पूरा नेस्टेड लूप चलेगा बबल सॉर्ट में, तो यहां भी एन स्क्वायर होगा, लेकिन डोनेट करने के लिए कि कैसे बोलेंगे उसको, उसको बस थीटा ऑफ एन स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। इसलिए ये सिंबल यूज हो रहा है। और बेस्ट केस तुमने पढ़ लिया, बेस्ट केस में सिर्फ लीनियर होता है ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ एन नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओमेगा ऑफ एन, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं देते, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि कल भी हमने क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड, ठीक है, ये एक मेथड है, फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड, या फिर इसी को पता है बहुत जगह हैशिंग भी बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, इससे मिलता जुलता मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक का नाम बताओ, इससे मिलता जुलता मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तो तुम लोग क्लास में, मैप। मैंने मैंने पढ़ाया था, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक, ये टॉपिक नहीं, इससे मिलता जुलता, जल्दी बताओ। जिसके सर की और वैल्यू पेयर बनते हैं वैसा वाला हाँ, मैंने पढ़ाया था, एक मैप। एल्गोरिथम पढ़ाया था, सर मैप की बात कर रहे हो आप? हाँ, मैप, एग्जैक्टली मैप, नहीं हाँ मैप भी एक टाइप का फ्रीक्वेंसी काउंटर के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने काउंटिंग सॉर्ट नहीं पढ़ाया था तुम लोग को, तुम यस यस लोग सर, रिलेटिव काउंट फॉर, हाँ देखिए काउंट वाला क्वेश्चन था, मैंने रिलेटिव पढ़ाया भी काउंट नहीं, फॉर, इसका एक ही मतलब, तुम यस सर, लोग उसमें काउंट वाला हैशिंग यूज क्वेश्चन किया लीट कोड पे सबमिट नहीं किए हो, है, किया है सर। कितने लोग किए हो चैट में बताओ तो, कितने लोग क्वेश्चन रिलेटिव काउंट वाला क्वेश्चन लीट कोड पे सबमिट किए हो। देखो अभी साफ साफ हाँ या ना मैं बता दूं, क्योंकि अभी मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम मतलब ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने सबमिट किया है, एग्जैक्टली इससे क्या हुआ, 10 लोगों से ज्यादा, 10 लोग से ज्यादा ने सबमिट नहीं किया, इससे क्या होगा मैं बता दूं, तुम भूल जाओगे तुमने क्या पढ़ा था। 10 बार मैंने बोला है जो क्लास में पढ़ाई वो क्वेश्चन लीट कोड पे सबमिट कर दो खुद से कोड करके, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, उसको भूल जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंटर को दोबारा रिवाइज करेंगे और इसके 3 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे से ज्यादा समय है, 4 क्वेश्चन कवर कर लेंगे इजी और मीडियम मिला के, ठीक है। यस ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या है, मान लो कि एक अरे दी हुई है 2 5 2 7 6 1 6 5, ठीक है, एक अरे दी हुई है, और तुम्हें ये बताना है, तुम्हें ये बताना है कि इसमें से इसमें से कितना नंबर मोर देन के टाइम्स आ रहा है,
वेयर के इक्वल्स टू टू, इसमें कितना नंबर मोर देन के टाइम्स इस अरे में है, मोर देन टू टाइम्स। टू को ही देख लो, टू एक बार दो बार आया है, ठीक है। फाइव कितना बार आया है, फाइव भी दो ही बार आया है, सिक्स भी दो ही बार आया है, कोई नहीं है। लेकिन इस एरे को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक और टू ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब टू कितने बार आता है, तीन बार। तो तुम्हारा कोड क्या रिटर्न करेगा, टू, कि हाँ टू एक ऐसा नंबर है जो मोर देन के टाइम्स है इस अरे में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहां हमें किसी चीज का काउंट स्टोर करना पड़ता है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंसी काउंटर से सॉल्व होते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी काउंटर से सॉल्व करने वाले आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया था काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट में हैशिंग यूज होता है, हैशिंग। यहाँ अगर तुम कहीं फ्यूचर में पढ़ रहे हो हैशिंग, हैशिंग का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हैशिंग इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी काउंटर, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक पे। तो किसी के दिमाग में है कि अच्छा नहीं समझ में आया, नहीं आता है, नहीं पढ़े, तो भूल जाओ अभी के लिए। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो एकदम दिमाग फ्री रखो, ठीक है। इसमें करते क्या है, दो अप्रोच में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। अब करते क्या है, सबसे पहला अप्रोच बताया क्या होता है, कि अगर हमें रेंज पता है, रेंज, रेंज ऑफ क्या, रेंज ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट एलिमेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट की। जैसे ये टू है, तो वो कितना छोटा ही कितना बड़ा हो सकता है। अगर हमें ये रेंज पता है, अगर हमें ये पता है कि एलिमेंट जीरो से लेके 10,000 तक होगा, ठीक है। अगर ये हमें रेंज पता है, तो वन ऑफ द वेज क्या है, वन ऑफ द वेज है एक अरे लेना उसी साइज का। मैं पहला अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच नंबर वन, एक अरे ले लो उस साइज का, जैसे लेट अरे इक्वल्स टू ठीक है। ये वाली चीज किसको समझ में नहीं आई, पहले ये बताओ, ये वाली लाइन इसमें क्या हुआ है, किसको समझ में नहीं आया ये वाला, देखो। तुमने अरे को कैसे पहले तुम लेते थे, अरे को लेने का क्या तरीका था पहले, कि एक अरे बना लो, एक अरे ए आर ले लो, पता नहीं जावास्क्रिप्ट में न्यू अरे होती है, पहले ये बताओ, होती है लोग सर, क्या होती है यस सर होती है। यस होती है ना। और यहाँ पे हम साइज जनरेट करते थे सर, कि इतने साइज का अरे बना दो, ठीक है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि हमें एक एक 10,000 की साइज का एक अरे बना के दो, जिसमें सारे नंबर्स जीरो हैं, मतलब एक अरे है बड़ी सी जिसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10,000, जीरो से लेके 9,999 तक, और सबको सबकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। डॉट फिल जीरो मतलब सबकी वैल्यू जीरो होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब तो ये क्लियर हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मान लो इस पे लूप चला लो, मतलब ये वाली एरे है, ठीक है। इसको लोग कोड में लिखते हैं, पहले कोड में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फंक्शन लिख लो, फंक्शन में ये अरे को पास कर दो।
भाई म्यूट पे जो भी नहीं है म्यूट पे हो जाओ अभी खुद से, ठीक है। अब वो काउंटिंग वाली अरे ले लो जिसको तुम हैश अभी के लिए ये हैश बोल देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अरे ले लिया जिसका नाम है हैश, इस अरे का साइज ये है और सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। अब हमें काउंट क्या करना था कि कितना नंबर है, लेट के इक्वल्स टू टू, ठीक है इसमें के भी पास हो रहा है, कितना नंबर है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी टू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये करने का एक तरीका मैं ये बता रहा था कि इस अरे पर ट्रैवर्स करो, ठीक है इस अरे पर ट्रैवर्स करो, लेट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और स्टोर करते रहो मतलब, अच्छा हमें एक और चीज दी हुई है जो हमेशा तुम्हें याद रखना है कि ये गिवन है, ये एक टाइप का कॉन्स्ट्रेंट है जो गिवन है। कॉन्स्ट्रेंट ये बोलता है कि एरे का कोई भी नंबर 10,000 होगा या उससे छोटा होगा और जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब ये इस रेंज के बीच में होगा, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, हमें काउंट स्टोर करना है, तो काउंट स्टोर करने के लिए हैश हैश ऑफ ए आर आर आई प्लस प्लस, इससे जो भी एलिमेंट हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसकी काउंट इस एरे में स्टोर हो जाएगी। ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई, मैं ग्राफिकल समझाऊंगा। ये वाला लाइन लाइन नंबर 17, क्या क्या बताओ, ठीक है हाँ, न्यू होगा न्यू होगा, जो भी बोल रहे हैं वो न्यू होगा, एक नया एरे ले रहे हैं, ठीक है हाँ यहाँ पे न्यू होगी एक नया एरे ले रहे हैं, ठीक है। जिसको भी ये नहीं समझ में आया, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इसको देखो इसको इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है ठीक है। ये वाली स्क्रीन देखो और इसको भी कॉपी करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस ये वाली स्क्रीन देखो, हमें करना क्या था, हर नंबर कितना बार आया है उसको कहीं पे स्टोर करना था, ठीक है। और वो स्टोर करने का एक तरीका था हैशिंग, और उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले जितना रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है कि कोई भी नंबर 0 से और 10,000 के बीच में ही होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रेंज दिया हुआ है और यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर आ जाए -100, रेंज दिया हुआ है, ठीक है रेंज का बात हो रहा है अभी, रेंज दिया हुआ है कि नंबर अगर होगा तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा और 10,000 से छोटा होगा, ठीक है ये कॉन्स्टेंट गिवन है। उस केस में अगर हमें काउंट स्टोर करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक अरे ले लो उसकी रेंज की साइज का मैक्सिमम रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज है 10,000, ठीक है। तो 10,000 एक उसे एक साइज बड़ी लेनी है, हाँ एक और चीज याद रखना, उससे एक साइज बड़ी लेनी है,
मैं इस पे आऊंगा कि एक साइज बड़ी क्यों ले रहे हैं, उसे एक साइज बड़ी साइज का एक अरे बना दो, ये कुछ नहीं है एक अरे है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अरे, अरे जिसकी अरे विथ साइज ये कितनी हो रही है, हाँ 10,000 दिस, एंड इनिशियली इनिशियली इनिशियलाइज्ड विथ 0 एज वैल्यू, ठीक है, तो मेमोरी में एक इस टाइप की एरे बन गई है जिसमें 1, 2, 3 से लेके इतने तक ये एक एरे है जो अपनी हैश एरे है, ठीक है, और सब में 0, 0, 0 भरी हुई है, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं पूरी अरे पे, गिवन अरे पे, इस गिवन अरे पे लूप चला रहे हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, पहले 2 पे आए, ठीक है, 2 पे आए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैश हैश ऑफ जो पहली नंबर है ARR0 होगी, ARR0 मतलब पहले 0 था इंडेक्स, ARR0 मतलब हैश ऑफ ARR0 क्या है, ARR0 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है ना जो मैं बता रहा हूँ, वो देखो खाली यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हैश में किस पोजीशन पे, हैश में पोजीशन पे कौन सी पोजीशन, अरे 0 वाली पोजीशन, और अरे 0 क्या है, अरे 0 हमारी 0th नंबर है, हमारा 0th नंबर क्या है, 2 है, मतलब 2 पे प्लस प्लस कर दो, मतलब हैश में सेकंड पोजीशन क्या थी, हमारे हैश में सेकंड पोजीशन पे एक 0 वैल्यू थी, उसको प्लस प्लस कर दो, मतलब अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमें ये पता चल गया कि 2 एक बार आया है, ठीक है। अब आ जाओ 34 पे, 34 पे जब तुम आओगे, मतलब ARRI मतलब अरे का पहला एलिमेंट, अरे का पहला एलिमेंट क्या है, 34, तो हैश में हैश ऑफ 34 मतलब 34th पोजीशन पे प्लस प्लस कर दो, 34th पोजीशन मतलब कहीं 34 इंडेक्स होगी, वहां पे वैल्यू स्टोर होगी 0, उसको प्लस प्लस करके 1 बना दो, ठीक है, हमको उसको प्लस प्लस करके 1 बना दिया, फिर से आए 3 पे, मतलब ARR2 मतलब अरे का गिवन अरे, ये अरे का सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, उस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, थ्री मतलब हैश में 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दो, हैश में 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी, 0 थी, उसको प्लस प्लस कर दो 1, इसका मतलब एक बार 2 आ चुका है, एक बार 3 आ चुका है, एक बार 34 आ चुका है, स्टोर हो गया, ठीक है, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर देखो 2 एक बार फिर से आ गया, ठीक है, तो 2 एक बार फिर से आ गया, इसका मतलब हैश ऑफ ये कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ARR6 पे 2 फिर से आ गया, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि हैश ऑफ 2 प्लस प्लस कर दो, हैश ऑफ 2 को प्लस प्लस, सेम चीज है प्लस प्लस, ठीक है, हैश और हैश 2 प्लस प्लस, तुम देखोगे हैश की सेकंड पोजीशन पे पहले से 1 था, अब फिर तुमको प्लस प्लस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, मतलब अब ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये हैश वाली जब तुम पूरा ये ट्रैवर्स कर लोगे, पूरी अरे ट्रैवर्स कर लोगे, तब लास्ट में ये जो अरे बनेगी हैश वाली अरे, उसमें हर नंबर कितना बार आया है वो उसकी काउंट स्टोर हो जाएगी, और ये क्या डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है कि एलिमेंट 3 एक बार आया है, एलिमेंट नंबर एलिमेंट 2 दो बार आया है, जिसकी 0 है काउंट, मतलब देखो 1 की काउंट 0 है, मतलब 0 एक भी बार इस अरे में नहीं आता है, 9999 एक भी बार इस अरे में नहीं आता, अगर आता तो उसकी भी काउंट बढ़ जाती, ठीक है, तो ये हैश वाले अरे से हम क्या कर रहे हैं, इस हैश वाले अरे में हम काउंट स्टोर कर रहे हैं, अब क्लियर हुआ बात कि यहाँ पे क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आया था उसको समझ में आया, यस सर, यस सर, आ गया समझ। सर वो इंडेक्स पे जा रहा है कि मतलब इंडेक्स मतलब वो वैल्यू पे जा रहा है डायरेक्ट?
भाई बहुत सीधा सवाल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं वो तो क्लियर हो गया सर, वो जब भी उस वैल्यू को देखेगा उसको प्लस प्लस कर देगा, ठीक है हाँ राइट। हाँ जब देखो देखो एक चीज हाँ मैं वो समझ में आ रहा, मैं बट समझ मेरा गया जो तुम क्या पूछ इंडेक्सिंग रहे जो हो, आपने हैश तुम किया ना क्या पूछ जो, रहे हो मैं समझ गया। देखो हाँ तुम ये बोल रहे हो कि जब भी हैश ऑफ, मान लो यहाँ पे हैश ऑफ कुछ होता, हैश ऑफ ARR3 होता, ARR3 प्लस प्लस ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करो। यहाँ पे ARR3 क्या होता है? ARR3 मतलब अरे का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अरे का तीसरा एलिमेंट कौन सा है? ये इंडेक्स है थर्ड, ये इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, पता है ना? तो थर्ड इंडेक्स 4 है, तो इसको रिप्लेस कर दो हैश ऑफ 4, हैश ऑफ 4 प्लस प्लस, इसका ये मतलब हो गया। और हैश ऑफ 4 प्लस प्लस का मतलब है कि और फोर हैश इक्वल्स टू की वन हो फोर्थ जाएगा। एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। हैश की फोर्थ एलिमेंट कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4। हैश की फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू क्या थी? 0, इसको इंक्रीमेंट कर दो। आप समझ में आ गया सर, ठीक है, तो ठीक है सर। ये एक तरीका है काउंट स्टोर करने का। ठीक है, कोई पूछता है कि मैप क्यों यूज करते हैं? मैप यूज करते हैं भाई, मैप यूज करते हैं। सर यहाँ पे के का मतलब, के, अरे के तो मैंने क्वेश्चन के लिए लिया था कि कितने सारे क्वेश्चन, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मैं तुम्हें काउंटिंग पढ़ा रहा था। के मैंने क्वेश्चन क्या बताया था कि तुम्हें कि क्वेश्चन में एक के भी पास होगा, और बताएगा कि तुम्हें ये जो तुम्हें बताना है कि कितने सारे नंबर्स हैं जो के टाइम्स अकर कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, टू टाइम्स अकर वाले एलिमेंट बताने अपने। हाँ ठीक है। अभी जो तुमने देखा ये वाली चीज आने वाले टाइम में हर जगह यूज होगी। अरे के क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, हैशिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा, स्ट्रिंग का क्वेश्चन से सॉल्व होगा, प्रीफिक्स सम में यूज होता है, बहुत जगह यूज होगा। तो ये वो वाली चीज है, ये एकदम बेसिक सी चीज है कि ये चीज याद रखो कि काउंट स्टोर करने के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये था। ठीक है, 1 मिनट। हेलो हाँ हाँ सर, बोलो। हेलो सर, ये जो हैश जो एरे यूज कर रहे हैं काउंट स्टोर करने के लिए, बट यहाँ पे यदि हम मैप यूज करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है सर, क्योंकि एरे में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना इतना, मान लो कि मेरा गिवेन एरे में उसका कॉन्स्टेंट क्या हाँ है, टेन। हाँ हाँ भाई, हाँ, इसलिए मैंने बोला कि ये एक अप्रोच है जो तुम्हें आनी ही चाहिए। सेकेंड अप्रोच मैप यस है, ये पहली अप्रोच सर, थी जिस पे बात कर रहे थे। ठीक है, और जो तुम लोग बोलते मैप 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 पे भी ये काम कर सकते हैं, सेम चीज। एक मैप ले लो, मतलब कोई नाम दे दो इसका, लेट मैप इक्वल्स टू न्यू मैप। एक मैप ले लो और हर टाइम जो भी नंबर आ रहा है तुम्हें, मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ। इसकी जगह पे तुम पता क्या करोगे? इसकी जगह पे तुम करोगे मैप डॉट पुट वो नंबर। भाई एक ही तरीका, ये जो मैप वाला तरीका है ना, ये भी हैशिंग ही होता है, कोई अलग चीज नहीं है ये। ठीक है, ये भी सेम चीज है, ये एक टाइप का हैशिंग ही है। और मैप, अगर तुम पता है, अगर तुम जावा पढ़ रहे हो या फिर इंटरव्यू में अगर कोई तुमसे फ्यूचर में ये पूछता है कि इंटरनली मैप कैसे काम करता है, जावा में हैश मैप्स होता है, तो इंटरनली हैशिंग पे ही काम करता है, तुम्हें वहां पे जाके हैशिंग समझानी होगी। ठीक है, तो वो भी भूल जाओ, इंटरनल्स की बात नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, इस एलिमेंट पे वैल्यू अपडेट कर दो, की वैल्यू। पुट मतलब पुट में की डालते हैं और सेकेंड वाले में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी? मैप डॉट गेट कर लो। मैप डॉट गेट, अगर मैप डॉट गेट मतलब वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में 0 रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 रिटर्न करवा दो और +1 कर दो, जो भी आएगा नंबर +1।
ये बात किसको समझ में आ गई है, मैप वाली बात, सेकंड अप्रोच नहीं आई तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ कि तुम सेकंड अप्रोच क्या होता है। सेकंड अप्रोच इसके सर जगह पे तुम मैप डॉट क्या, सेट होता है, सेट मैप डॉट सेट होता है कि पुट होता है, क्योंकि जावा में तो वो होता सर है, जावा में सेट पुट होता होता है। है, ठीक है? जावा में पुट होता है, ठीक है? मैप यस सर, डॉट जावा सेट, में पोर्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट में सेट। चलो ठीक है, इसको तुम सेट बना लो। सर सेट और गेट दोनों एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, जब भी वो नंबर आएगा, मतलब एक तुम्हारी मैप बनी हुई है, ठीक है, मैप अभी खाली है, मैप खाली है, मैप की साइज कुछ भी हो सकती है, मैप का फायदा यह है। अरे का एक डिमेरिट क्या था कि तुम्हें पहले से रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैप की साइज कुछ भी हो सकती है, ठीक है? जो सबसे पहले नंबर आया टू, तो टू को पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, की क्या है, टू, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं, मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट करो वो ए आर आर आई को, वो उस एलिमेंट को, मतलब देखो कि पहले मैप में वो एलिमेंट है कि नहीं। सबसे पहली बार मैप में एलिमेंट टू नहीं होगा, सबसे स्टार्टिंग में जब पहली बार आ रहे हैं मैप में एलिमेंट नहीं है तो वो जीरो रिटर्न कर देगा, तब 0+1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? तो मैप में की टू पुट हो गया, उसकी वैल्यू 0+1 1 हो गई। टू फिर से आ जाता है एक बार, मतलब दूसरी बार टू आता है, तब क्या होगा, फिर से मैप में सेट हो जाएगा, मैप की मतलब सेम की पे अब वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर मैप डॉट गेट होगा, मैप डॉट गेट मतलब मैप में ढूंढेंगे कि टू है कि नहीं, हाँ मैप में इस बार टू है जिसकी वैल्यू 1 है, की वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 में +1 कर दो, ठीक है? तो वो ओवरराइड हो गई, मतलब उसी की पे वैल्यू +1 होके ओवरराइड हो गई, ठीक है? तो ये सेकंड अप्रोच है, ठीक है? ये वाली चीज क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जल्दी बोलो। सर मैंने ये मेथड यूज़ किया था मैप डॉट हैज करके, इवन लाइफ कोडिंग में तो मैंने नेस्टेड लूप के अंदर यूज़ किया था, तो सर हैज की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या? देखो हैश में नंबर को गेट करने का पुट करने की कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में उनसे पूछा भी जाएगा। मैप में जब तुम सेट या गेट करते हो ना, वो ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है, ठीक ओके है? सर, मतलब तुम देखोगे इस वाली अरे में यहाँ पे अगर मैप यूज हो रहा होता, मैप डॉट पुट कर रहे होते, मैप डॉट सेट कर रहे होते, तो ठीक है, मतलब ये वाली चीज कर रहे होते जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है? तो ये हर एलिमेंट के लिए करते, मतलब ये n into 1 टाइम, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये करने की कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, ठीक है? और ये लूप चल रहा है n टाइम्स, तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी O(n) ही रह जाती। बोलने का मतलब कि मैप में गेट और पुट करने की कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है, गेट और पुट मतलब ये ऑपरेशन करने की कॉम्प्लेक्सिटी, समझ रहे हो ये बात? सर वन कैसे हुए, ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगी? नहीं, लूप चलाने की कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे कुछ कर रहे हो ना, यहाँ पे तुमने ये लाइन लिखा ना, यस ये करने की भी तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तुम यहाँ पे गेट किया तुमने, दो एक चीज मैं बताता हूँ, हैशिंग शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो देखो ये चीज तुम लोग को ना आगे काम आएगा जब तुम लोग जावा सर, पढ़ो। एक्चुअली ये एरे की तरह काम करता है। सपोज एरे के कोई इंडेक्स की रिगार्डिंग कुछ वैल्यू अगर ढूंढूंगा तो वो क्या होता है, सपोज 1 इंडेक्स पर उसका वैल्यू दे देगा, उसी हिसाब से मैप के अंदर उसके की से रिगार्डिंग वैल्यू देगा, तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा। मतलब एकदम सेम हैशिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ एकदम सर, सेम हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि हैश सेट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है? मैं एकदम बेसिक से तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये O(1) क्या है और O(1) किस चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको नहीं पता है उसको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये लाइन किसी एक को भी समझ में नहीं आई है तो मुझे बताओ, ये लाइन ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक इनपुट आ लेते हैं,
टू थ्री टू टू, एक इनपुट आ रहा है, काउंट स्टोर करना है हर नंबर का मैप यूज करके, ठीक है। अभी तुम्हारा मैप खाली है, मैप में कुछ नहीं है, मैप में की वैल्यू होती है, ठीक है। अब तुम पहले टू पे आए, तुमने एक लूप चलाया जीरो से लेके एरे की लेंथ तक, तुमने लूप चलाया, तुम टू पे आए, टू पे आए तो तुम मैप में सेट कर रहे हो वैल्यू टू, जिसकी की टू होगी। और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू तुम चेक कर रहे हो कि क्या मैप में पहले से टू है, मैप डॉट गेट कर रहे हो। जब तुम मैप डॉट गेट करोगे तो मैप डॉट गेट करने की भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होती है। मैं ये बोल रहा था कि मैप भी ढूंढेगा ना कि अच्छा टू कहाँ पे, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, टू कहाँ है मैप में, ठीक है। लेकिन हम पहले से तुम्हें वो इंडेक्स दे रहे हैं कि अच्छा मुझे मैप ऑफ टू ही ढूंढना है, तो वो उस ऑर्डर में स्टोर होती है वैल्यू। अच्छा वो टू वाले इंडेक्स पर तुरंत जाएगा, देखेगा कि अच्छा टू वाले इंडेक्स पर नंबर है कि नहीं, वो देखेगा अच्छा टू वाले इंडेक्स पर तो कुछ नहीं है, खाली है। तो उसने तुरंत इंस्टेंटली, उसने पूरा ट्रैवर्स नहीं किया, इसलिए इसकी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन हो जाएगी, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ओ ऑफ वन मतलब हम मैप डॉट गेट कितनी बार कर रहे हैं, जितनी बार हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो लूप कितनी बार चला रहे हैं, एन टाइम्स, और एन टाइम्स हम मैप डॉट सेट और मैप डॉट गेट कर रहे हैं। और सर फिर मैप डॉट हैज की भी ऑर्डर ऑफ वन होगी हैज। मैप डॉट हैज, हाँ तो सर मैंने इन लाइफ कोडिंग में यूज किया तो मेंटर ने बोला था इसकी ऑर्डर ऑफ एन होगी, तो नहीं, उन्होंने फिर ब्रूट फोर्स बता दिया। तो तुम सर्च कर लो, अभी सर्च कर लेते हैं, गलत होगा तो अभी देख लेंगे। क्योंकि मैं फिर मैंने बहुत ही एफिशिएंट वे में सॉल्व किया था, फिर उन्होंने बोला कि इससे ये एन ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई मैप इसकी। डॉट हैज ऑर्डर ऑफ वन लॉग एन। अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, ये तो नहीं, ये मैप है, ये अनऑर्डर्ड मैप है। सर मैप में लॉग एन हम लोग हैश टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप ओ ऑफ वन, ठीक है। एवरेज केस, एवरेज केस ही ले रहे हैं, एवरेज केस ओ ऑफ वन ही होती है। सर्च टाइम यही, इससे ही सर्च टाइम तुम्हारा वो है, हैश मतलब मैप डॉट गेट है। ओ ऑफ वन ही, ओ ऑफ वन ही कंसिडर करो तुम, ओ ऑफ वन ही हर जगह यूज होती है, ठीक है। ओके सर। वर्स्ट केस वाले चीज इसमें कंसिडर करेंगे सोचें तो, नहीं हैश वाले चीज में नहीं करते कंसिडर, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और मैप इसलिए यूज करते हैं ताकि मैप का वो बहुत इंसर्शन डिलीशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए ओ ऑफ वन होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये दोनों करने कॉम्प्लेक्सिटी खुद में ओ ऑफ वन है, और ये कितनी बार करते हैं, ये एन टाइम्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रह जाती है, ठीक है। अब क्लियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीधी सी बात है, जितनी बड़ी मैप होगी उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एक बार बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, मतलब जितनी बड़ी मैप बन सकती है, मतलब अगर इसमें सारे यूनिक नंबर होते हैं तो वो सब की काउंट वन हो जाती, टू थ्री वन, ये मतलब जितने भी होते सबकी वन 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 हो जाती, मतलब मैप की साइज, मैप की साइज लेंथ ऑफ अरे पर डिपेंड कर रही है। हाँ लेंथ ऑफ अरे पर डिपेंड कर रही है। क्या बोले सर, सर्चिंग के लिए एन होनी चाहिए, बिकॉज दे फाइंड, बिकॉज की फाइंड कर रहे हैं। नहीं यार, कि उस इंडेक्स पर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला ना। हैशिंग देखो, हैशिंग इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बता दूं हैशिंग में क्या होता है। हैशिंग बता, चेनिंग होती है एक्चुअल। जब तुम पढ़ोगे हैशिंग मतलब जीरो, एक्चुअली मैप कैसे स्टोर होता है इंटरनली, वो तुम्हें मैं एक सेकेंड में बता देता हूँ इंटरनली कैसे स्टोर होता है। वन टू थ्री फोर
एक अरे रहती है, ये एक्चुअल मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। जब हम बोलते हैं ना कि मैप डॉट पुट कर दो या मैप डॉट गेट करो, तो वो उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को एज अ लिंक लिस्ट स्टोर करता है। मतलब जैसे हमने किया कि मैप डॉट गेट करो, ARI, मतलब मैप डॉट गेट करो कि टू है कि नहीं अपने मैप में, ठीक है, तो वो टू वाले पे जाएगा और देखेगा कि क्या लिंक लिस्ट है। अगर लिंक लिस्ट है तो बात ही खत्म, या वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वो एम्प्टी है। मतलब मैप इज एक्चुअली इंटरनली, मैप इज एक्चुअली अरे ऑफ लिंक लिस्ट। अरे ऑफ लिंक लिस्ट इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब ये सारी नोड आपस में एक्चुअली में एक लिंक लिस्ट है, ये है ये है, इस एक लिंक लिस्ट होती है। इसीलिए ढूंढना बहुत, ढूंढना का एवरेज केस ओ ऑफ वन है, क्योंकि हमने ये ढूंढ लिया कि हाँ टू तो है, मतलब टू के केस में कोई लिंक लिस्ट बनी हुई है, नहीं तो यहाँ पे नल होती कि नल लिंक लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। अब पता है क्या होता है, बहुत बार मैप में सेम की पे एक से ज्यादा वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलिजन। मतलब टू पे, जैसे तुमने बोला कि टू पे क्या वैल्यू होगी, टू पे जो वैल्यू होगी वो होगी, मतलब अगर वन है तो वन होगी, लेकिन बहुत बार ना चेनिंग में एक से ज्यादा वैल्यू सेम की पे हो सकते हैं, उसकी उस केस में लिंक लिस्ट यूज होता है। मतलब टू में वन भी है और टू में थ्री भी है, तो उस केस में हम इस इंडेक्स पे आए, मतलब हम इस इंडेक्स पे आए और फिर हमने सर्च किया एन लेंथ तक, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। लेकिन अभी के लिए भूल जाओ, ओ ऑफ वन होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, ये मैं फालतू का तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना इंटरनली क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आए डायरेक्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात वाली बात क्लियर होगी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ, क्योंकि मैप एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है मैप। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मैप का साइज कितना बड़ा हो सकता है, और क्या मैप का साइज इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर सारे के सारे नंबर यूनिक होते, मतलब 1 2 3 4, सारे के सारे नंबर यूनिक होते तो मैप कुछ ऐसा नहीं बनता, 1 2 3 4, और सब की काउंट 1 1 1 1 होती, 1 1 1 1। तो तुम देखो कि मैप की साइज एक्चुअली में इनपुट अरे की साइज पर डिपेंड कर रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना, फिर क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। है क्लास में दो ही लोग पढ़ रहे हैं क्या, दो तीन लोग खाली मैसेज कर रहे हैं। सर क्लियर है, सर ठीक है, तब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अरे वो एक लीड कोड क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, ठीक है, क्या गिवन है, गिवन एन अरे, एक अरे दिया हुआ है जिसकी साइज एन है, ठीक है, और तुम्हें कुछ रिटर्न करना है, और तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तुम्हें रिटर्न करना है मेजोरिटी एलिमेंट। मतलब मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है, अब मेजोरिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट अपियर्स मोर देन एन बाई टू टाइम्स, ठीक है। एक कांस्टेंट दिया हुआ है कि मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑलवेज कोई ना कोई नंबर होगा जो एन बाई टू टाइम्स से ज्यादा असर हो रहा है अरे में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, मतलब देखो एक अरे दिया हुआ है, मतलब कोई भी अरे ले लो, 2 3 4, टू 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 टू, तुम्हें वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो मोर देन एन बाई टू टाइम्स आ रहा है, मोर देन एन बाई टू। अगर इसकी लेंथ कितनी थी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ की अरे है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 4 से ज्यादा बार आ रहा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट जो दिख रहा है बताओ। टू सर एग्जैक्टली टू आ रहा है, एग्जैक्टली ये करने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है।
ये प्रॉब्लम करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो हमने अभी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी काउंटर या हैशिंग यूज करके करेंगे, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, चलो इसका कोड लिखना चालू करते हैं। पहले पहले कोई रैंडम अरे ले लेते हैं, 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2, ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट इस क्वेश्चन का नाम है, इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट n बाई टू टाइम से ज्यादा हो रहा है। तो तुम तो पहले सबसे पहले n ही निकाल लो कि n कितना है। लेट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। कि गिवन एरे की साइज मिल गई, अब क्या करेंगे, अब वहां पे वो लगाएंगे जिसे बोलते हैं मैप, मैप का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मैप यूज कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। लेट मैप इक्वल्स टू न्यू, हाँ भाई मैं जो मैं जो टेस्ट दूंगा, अभी मेरा लॉगिन नहीं है, लॉगिन मेरा एक्चुअली क्वेश्चन बना हुआ, इसलिए मैं वो नहीं दिखाता क्योंकि मैं पहले से बना रहता है, तो सबमिट करोगे तो आंसर सॉल्यूशन पहले ही दिख जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एकदम स्टार्ट से जीरो से कोड करवाता हूँ। अगर तुमको चाहिए कि मैं लीड कोड पे ही बनाऊँ क्वेश्चन, तो मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर्पस है कि तुम्हें स्टार्ट से, और जो तो कोड दूंगा तुम खुद जाना, मतलब क्लास के बाद कोड को रन करना और देखना, ठीक है। अब एक्चुअली करना क्या है, हमें फाइंड करना है कौन सा एलिमेंट n बाई टू टाइम से ज्यादा आया है। ऐसा एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि जो आधे अरे से ज्यादा आ सकता है वैसा एक ही एलिमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, खुद सोचो। ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है, ऐसा दो एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट जो जो n बाई टू टाइम्स आ जाए, ऐसा हो ही, कैसा हो सकता है भाई। भाई एक मिनट प्लीज सोचो, n बाई टू मतलब आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा कोई एक ही एलिमेंट आधे से ज्यादा बार आ सकता है, कोई दो एलिमेंट ऐसा अलग है जो आधे से ज्यादा बार आ सकता है किसी अरे में। एग्जैक्टली लॉजिकल सी चीज है, ठीक है। तो मतलब हमें काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो ये मैप यूज करते हैं, ठीक है, मैप यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, लूप चला लो और गिवन अरे पे लेट आई, किसी ने सॉल्व भी कर दिया है, सो मैदीप, चलो बहुत अच्छा, कोई सॉल्व तो कर रहा है। देखो ये बहुत, ये कोई कुछ गलत नहीं है, कोई सॉल्व कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुद से सॉल्व करते रहो, ठीक है। लूप कहाँ तक टच लेंगे, जीरो से लेके एन माइनस वन, मतलब सारे एलिमेंट तक। सो वाई इज एम कैपिटल आफ्टर न्यू, हाँ अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, इक्वल नहीं हो सकता है, बड़ा होना चाहिए। देखो गिवन है एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन एन बाई टू टाइम्स, मोर देन एन बाई टू टाइम्स, इक्वल टू एन बाई टू नहीं हो सकता है। हाँ हाँ इक्वल टू अगर होगा तब ऐसा दो एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है एन बाई टू टाइम्स से ज्यादा का करने वाला एलिमेंट, तो ऐसा एक ही एलिमेंट होगा। हाँ ये वाला जो पूछ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। जब भी एक नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं मेमोरी में, वो मेमोरी की मेमोरी में हम जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं कि देखो एक वेरिएबल बना रहे हैं मैप नाम का, और वो मैप क्या करेगा, वो मैप पॉइंट करेगा एक नया डेटा स्ट्रक्चर को, वो नया डेटा स्ट्रक्चर है मैप टाइप का। तो न्यू और उस डेटा स्ट्रक्चर का टाइप जब लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऐसा जावा में भी होता है, तो इसका मतलब है कि हम मेमोरी में मैप टाइप का डेटा स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेट कर दो, मेमोरी में बना दो, और जिसका वेरिएबल नेम मैप है, जो कुछ भी हो सकता है, ये डेटा स्ट्रक्चर का टाइप डोनेट करता है, जो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये तो वेरिएबल है, हम अपने नाम से कुछ भी लिखते हैं इसको, मैप वन बोलें, टू बोलें, थ्री बोलें, जो बोलें, लेकिन ये टाइप डोनेट करता है, इसलिए हमेशा कैपिटल में होगा। यहाँ पे अरे भी हो सकता था, अरे भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, सेट भी हो सकता था, ठीक है। इसलिए सेम कॉन्सेप्ट जावा में भी यूज होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लूप करना चालू करेंगे, ठीक है। सिद्धार्थ समझ में आ गया,
तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर पढ़ लेते तो खैर, अगर पढ़ाई होगी तो, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन देखते हैं अभी बात की चीज़ है वो। ठीक है, जीरो से लेके एन तक ट्रैवर्स करना है, ठीक है, एन तक ट्रैवर्स करते रहेंगे। और क्या फाइंड करना है, काउंट स्टोर करते जाना है, ठीक है, काउंट स्टोर करना है जो किसी और ने बना लिया, ठीक है। काउंट स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, काउंट स्टोर करने के लिए सबसे पहली चीज कि वो नंबर है या नहीं वो फाइंड करेंगे, या फिर डायरेक्टली मैप पर पुट कर दो ना, मैप डॉट पुट, अच्छा सेट होता है जावास्क्रिप्ट में, मैप डॉट सेट वो नंबर ARRI, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या दोगे, अगर वो है तो वैल्यू +1 कर दो, अगर नहीं है तो 0 + 1 1, तो क्या करोगे, मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट में वो नंबर को ढूंढोगे कि वो नंबर मैप में है या नहीं, ठीक है। अगर मैप डॉट गेट रिटर्न कर देता है 0 या फिर नल ऐसा कुछ, तो तुम इसको 0 ले लो बाय डिफॉल्ट और 1 इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये तो तुम ऐसा पूरी लूप में कर लो, तो तुम ऐसा तुम पूरी लूप में कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मैप में फिर से लूप करना पड़ेगा, तो ये ऐसा तुम्हें करने की जरूरत है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम ना इसको स्टोर कर लो, तो कोई ऐसा मत करो, लेट काउंट इक्वल्स टू मैप डॉट गेट ARRI, मैप डॉट गेट ARRI 0 0, ये और 0, ठीक है। मतलब अगर मैप वो नंबर है तो उसका काउंट दे देगा, अगर मैप वो नंबर नहीं है मतलब तब वो और वाले केस इधर आएगा और 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब तुम फटाक से कंडीशन चेक कर लो कि इफ काउंट इज इक्वल्स टू n/2, n/2 मतलब पहले से काउंट आधा हो चुका है, मतलब पहले से वो नंबर n/2 टाइम्स आ चुका है, मतलब अभी जो नंबर है वो n/2 + 1 होगा, तो सीधा से उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न ARRI। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मैप इंस्टॉल कर दो, मैप डॉट सेट काउंट +1, ठीक है, ऐसा पूरी रूप में कर दो, तो कोई ना कोई नंबर तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में रिटर्न -1 या रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। बस इतना छोटा सा कोड है, महवीस अगर ये चीज बताओ, ये वाली चीज देखो जो तुम पूछ रहे हो, हम क्या चेक कर रहे हैं कि अभी तक वो कोई ऐसा नंबर आया है, मतलब AR1 है जिसकी काउंट n/2 के इक्वल हो गई है, तब अब वो नंबर फिर से आ गया ना, हम AR को देख रहे हैं ना, मतलब वो नंबर पहले से n/2 हो चुका है, मतलब अभी जो आएगा वो n/2 + 1 होगा ना, मतलब वो नंबर मिल चुका हमें, वो यही नंबर है, समझ में आया, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो काउंट वाली तुम्हारी मैप थी मान लो 1 2 3 4, ठीक है, n/n है 8, ठीक है, n 8 है तो n/2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी है, मतलब हम जब ट्रैवर्स करना चालू किए, एक बार दो बार तीन बार चार बार, 2 की वैल्यू 4 हो चुकी है, कि 2 चार बार आ चुका है। जब हम पांचवें वाले में आएंगे तब हम इसका काउंट देखेंगे, काउंट पहले से ही n/2 हो चुका है, मतलब ये पांचवा वाला ही आंसर है, बात खत्म, 2 रिटर्न कर दो, समझ में आया, बस वही कर रहे हैं, सीधा उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, console.log
ये इसको कॉल करते हैं टू और ये जीरो रिटर्न कर रहा है, जीरो क्यों रिटर्न कर रहा है? इफ टू जो अच्छे एलिमेंट जगह लेगा दिस 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 मैप लिया, मैप अगर मैप में है तो मैं वो रिटर्न कर दो, मैप में नहीं है तो जीरो रिटर्न कर दो। इफ जीरो इज दिस दिस तो या आई को रिटर्न कर दो, मैप डॉट सेट कर दो, या आई काउंट प्लस वन टू जीरो आई लेस देन आई प्लस प्लस ये सेटिस्फाई क्यों नहीं होता है? काउंट इक्वल्स टू इक्वल्स टू एन बाई टू क्या एल्स बॉडी? सर एक बार मैप को कंसोल करवा के देखें। सर बाहर तो नहीं होगा वो, अंदर ही जाएगा। सही बोल रहे हैं। टू टेन टाइम्स टू 10 बार है क्या? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 बार है। हाँ ये तो मैप तो सही है, मैप सही है। तो ये एन बाई टू क्यों नहीं होती? तो यार ये जावास्क्रिप्ट होता नहीं क्या पंगा, वो मैथ डॉट क्लोज होता है क्या? हाँ ये जावास्क्रिप्ट अलग ही नाटक है। ठीक है हाँ अब देखो सही दे रही है। ठीक है ग्रेटर देन नहीं होगा भाई, ग्रेटर देन नहीं होगा, जो है सही है, बस इसका पंगा था। जावा जावा में ही चल जाता, जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता है। क्योंकि ये एक चीज बताओ क्यों नहीं चला, तुम लोग कोई पता होगा क्यों नहीं चला ये बताओ, मैथ डॉट स्लो क्यों नहीं? आई थिंक डिवाइड करने पे वो 2.0 करके कुछ आ रहा होगा। एग्जैक्टली वो फ्लोट वैल्यू डेसिमल देता है, डेसिमल कभी की जगह बराबर नहीं होता। मैथ जावास्क्रिप्ट में ये सील, ये सील भी करें तो जावा में ऐसा नहीं होता है। देखो मतलब ये देखो तुम ये करो कंसोल डॉट लॉग एन बाई टू को लॉग करो, देखो क्या आता है। वो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, देखो एन बाई टू 7.5 दे रहा है, किसी का काउंट 7.5 हो सकता है, इसीलिए जीरो। बस इसीलिए जावा में ना ये डायरेक्टली 7 हो जाता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बोलने का मतलब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ अब क्लियर है? ठीक है उसका रुको मैं इसका डॉक बना देता हूँ, उसे डॉक बना दूंगा मैं लास्ट में। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है अब ये सबसे बेसिक था, इससे बेसिक क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास अभी भी 2 क्वेश्चन आराम से 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है एक तो ये था, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। सर फ्रिक्वेंसी काउंटर के आपने 2 अप्रोच बताई है ना? हाँ सर 2 ही होती है। फ्रीक्वेंसी काउंटर की और कौन सी अप्रोच? सर जावास्क्रिप्ट में एक होती है, उसमें ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। अरे हाँ भाई ये तो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया, एक बार बताओ ऑब्जेक्ट तुम जावा बना सकते हो? नहीं ना, नहीं ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहा, वो तुम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना तुम जेसॉन का बात कर रहे हो।
तुम इसका बात कर रहे हो, यस ये। सर, अब ये पता है ये वाली चीज कहाँ नहीं चलेगी? जावा की स्क्रिप्ट के अलावा कहीं नहीं चलेगी। जावा नहीं, शायद पाइथन में चल जाए, पाइथन में भी जेसन होता है। इसको पता है ना क्या बोलते हैं इसको? जेसन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उधर डिक्शनरी बोलते हैं इसको। हाँ मतलब वहां इसको डिक्शनरी बोलते हैं, मतलब जहां पर वैल्यूज की ऐसे स्टोर होती है कि ए 2 बार आया, बी 3 बार आया, ऐसा। तो ये जावा में नहीं चलेगा, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, देखो अलग अलग चीज करने का अलग तरीका होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो हर लैंग्वेज में, पाइथन में भी है, जावा में भी है, कहीं भी होगा, वो अब तरीका मैं तुम्हें बताया। ठीक है, जो तुम बता रहे वो गलत नहीं है, वो भी यूज होता है। अगर तुमको अगर ईजी लगता तो उससे बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू सम, टू सम बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस भी है और बहुत ईजी भी है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत आता है। अगर कोई इंटरव्यू मतलब अगर ये तुमसे अरे का क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और इसलिए ये फेमस है ना क्योंकि इसकी इस क्वेश्चन में हैशिंग लगाने से, हैशिंग मतलब फ्रिक्वेंसी काउंटर लगाने से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। मतलब इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर में बनेगा ब्रूट फोर्स, लेकिन अगर तुम हैशिंग लगाओगे तो ओ एन में बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक अरे दी हुई है, ठीक है, एक अरे दी हुई है और एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि ऐसा कोई दो नंबर है जिन दोनों का सम करेंगे तो टारगेट इक्वल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले चैट में बोलो, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर, यार मतलब चैट में दो तीन लोग बोलते हैं, मतलब भाई बाकी लोग क्या करते हैं यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। यस सर, हाँ हाँ चैट में बोलो। ठीक है, चैट में बोलो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में एक अरे दिया हुआ है, एक टारगेट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड बाय अभिनव सर बिफोर। ठीक है, तो रिवाइज कर लो, अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। ठीक है, कोई ऐसा दो एलिमेंट हो जिसका सम टारगेट इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे 2 और 7 का सम इक्वल है, 9 हो जाता है। ठीक है, टारगेट इक्वल है तो वही रिटर्न करना है, वो दोनों का इंडेक्स को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का पहले ब्रूट फोर्स तरीका सोचो, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? तो दो फॉर लूप लगा के पहले को आई से सेकंड टाइम इटरेट करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही यही करेंगे, बिल्कुल सही। तो तुम इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर को तुम कैसे समझाओगे? इंटरव्यूअर को तुम, तुम्हारा अगर तुमको इफिशियंट तरीका पता है ना, तुमको इफिशियंट वाले अकॉर्ड लिखना है, लेकिन ब्रूट फोर्स से ही स्टार्ट करना है। तुम इंटरव्यूअर को बोलोगे कि सर इसको करने का एक ब्रूट फोर्स तरीका है, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? नेस्टेड फॉर लूप लेंगे, एक फॉर लूप लेंगे आई से लेके, जिसमें आई इक्वल टू 0 से लेके एन माइनस 2 तक, उसके अंदर एक और फॉर लूप लेंगे जे इक्वल्स टू आई से लेके एन माइनस 1 तक। ठीक है, और देखते जाएंगे कि इफ ए आई प्लस ए जे टारगेट इक्वल है, अगर मिल गया तो रिटर्न कर दो आई और जे। ठीक है, लेकिन ये सब कोड लिखना मत, उसको तुम बता देना, लेकिन ये करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? ओ ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हमने दो लूप ले रहे हैं और दोनों लूप एन पर डिपेंड कर रहा है, देख लो वो एन मतलब ये यहां से लेके यहां तक चलेगा, और सेकंड वाला वो जो नंबर है उस नंबर से लेके आखिरी तक चलेगा, ये दोनों चीज एन पर डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है ये। इस ठीक है, अगर वो कोड करने बोलेगा तो इसे कोड कर देना, लेकिन इसको करने का एक इससे बेटर तरीका है, वो होता है फ्रिक्वेंसी काउंटर या हैशिंग। ठीक है, तो हम लोग हैशिंग वाला कोड देखेंगे। ठीक है, अब
अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक टारगेट ले लेते हैं, देखो 2 पॉइंटर। एक बार बताओ यहाँ पे 2 पॉइंटर क्यों नहीं लगाएंगे, ये बताओ क्यों नहीं लगाएंगे, ये बताओ। अरे बिकॉज़ वो सॉर्टेड नहीं है ना सर। इनफैक्ट ये गिवन ही नहीं कि अरे सॉर्टेड है, तो तुम टू यस पॉइंट हाँ का लगा के सॉर्टेड तुम्हारा नहीं, सॉर्टेड काम आसान नहीं हो रहा है। में काम होगा ही नहीं। फिर अगर तुम्हारा अगर गिवन अगर अरे सॉर्टेड होता तब 2 पॉइंट का लगाते हो तुम्हारा काम आसान हो जाता, यस सर। ठीक है। चलो बहुत अच्छे, मतलब अगर तुम लोग रिप्लाई करो तो देख के लग रहा है कि अच्छा कुछ पढ़ा हुआ तुम लोग को याद है। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन पूछने से। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, सर इस क्वेश्चन में मैक्स सम पेयर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सोचो मैक्स सम पेयर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। वो भी बहुत आसान है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन फोकस करो, वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अभी क्वेश्चन फोकस करो। एग्जैक्टली, ये सब चीज़ अभी हम लोग पढ़ाई नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम लोग पढ़ लिए अच्छा बात है, सब लोग नहीं पढ़ा है। हाँ, क्वेश्चन बनाने के लिए सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तुमको बोल दिया गया कि नहीं मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखो, वहां सॉर्ट मत कर देना। ठीक है, वो इंटरवल भगा देगा, वहां ये अरे डॉट सॉर्ट मत कर देना, वहां तुम्हें एल्गोरिदम लिखनी है, क्योंकि अरे डॉट सॉर्ट इंटरनली भी तो इंप्लीमेंट होता है, उसका इंटरनल एल्गोरिदम क्या है वो तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन का हमने ब्रूट फोर्स तरीका देख लिया। अब ये क्वेश्चन को करने का, अब इस क्वेश्चन को करने का बेटर तरीका है हैशिंग। ठीक है, वो देखेंगे, और हैशिंग क्यों यूज करेंगे। देखो एक चीज बताओ, जब भी हम अरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, इस अरे को ले लो, ठीक है, ठीक है, ये अरे को ले लो। एक बार बताओ, हमने यहाँ देखा कि अच्छा 2 आया है, ठीक है 2 आ गया, लेकिन 2 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, मतलब टारगेट माइनस AI, टारगेट माइनस AI, मतलब अगर टारगेट माइनस AI हमारी अरे में एग्जिस्ट करता है तब हमको आंसर मिल गया। ढूंढना यही है ना कि AI पे हम आ गए, ठीक है, लेकिन क्या अरे में टारगेट माइनस AI एग्जिस्ट करता है, अगर टारगेट माइनस AI भी एग्जिस्ट करेगा मतलब हमको आंसर मिल गया, ये तो करना है। तो टारगेट माइनस AI है या नहीं है ये स्टोर करते हैं मैप में, ये स्टोर करने के लिए मैप यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तुम विजुअलाइज कर लो फिर कोड लिखेंगे, बहुत छोटा सा चीज है। सबसे पहले तुम मैप में देख लो कि पहले हम 2 पे आए, ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। जो लोगों ने क्वेश्चन पहले नहीं किया है कर लिया तो रिवाइज कर लो, नहीं किया तो अभी ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, लूप चलाओ पूरे में, लूप चलाओ पूरे में, ठीक है, लास्ट से लेकर 0 से लेकर एन माइनस 1 तक लूप चलाओ। ठीक है, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट देखो वो मैप में है कि नहीं। सबसे पहले 2 पे आए, मैप अभी खाली है, मैप खाली है, ठीक है, मैप में देखोगे क्या मैप में इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, कि कितना इस मैच करेंगे तो 9 आ जाएगा, टारगेट माइनस AI 7, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो मैप में देखो क्या मैप में 7 है, नहीं मैप में 7 नहीं है, ठीक है मैप में 7 नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैप में 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 को डाल देंगे, जो नंबर आया वो डाल देंगे। हाँ, मैप में 2 डाल दो, और 2 की वैल्यू क्या डालोगे, 2 का इंडेक्स, 2 का इंडेक्स 0, मतलब मैप डॉट सेट क्या होता है, मैप डॉट सेट ARRI और वैल्यू में i, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, 7 पे आओ, 7 पे आए, 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कितना ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, टारगेट माइनस AI 9 माइनस 7 2,
वो नंबर को ढूंढो मैप में, वो नंबर मैप में है, हाँ वो नंबर है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो किस इंडेक्स पे है, वो 0th इंडेक्स पे है, तब इसकी वैल्यू और ये 7 का इंडेक्स रिटर्न कर दो, हमको आंसर मिल गया। मतलब समझे, एकदम यही करना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको लूप एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन ही रह जाएगी, मतलब लीनियर टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन एक डिसएडवांटेज, अगर तुमसे इंटरव्यू पूछेगा इसका डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड को यूज करने का, इस मेथड को यूज करने का डिसएडवांटेज है कि इस मेथड में एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी, जो हमने इसके पहले वाला मेथड बताया था। इसके पहले वाला मेथड तुम्हें याद है ना, वो दो फॉर लूप लगाने वाला, फॉर के अंदर फॉर लगाने वाला, उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट थी, ओ ऑफ 1 थी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, वो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर है मैप, तो मैप भी तो अपना जगह लेगा। मैप कितना बड़ा हो सकता है, मैप जितना डिस्टिंक्ट नंबर है उतना बड़ा हो सकता है, तो मैप, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, अच्छा 7 को 3rd इंडेक्स पे लगाओ। अच्छा ठीक है भाई, एक नया इनपुट ले लो तुम। देखो ठीक है, अभी के लिए बस इसको देखो, ऊपर वाली देखो, देखो ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है देखो, ठीक है, मैंने क्या बोला था, लूप चलाओ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, 0 से लेकर एन माइनस 1 तक का लूप चलाओ। ठीक है, इस नंबर पे आओ, क्या क्या चेक करना है हर नंबर के लिए, कि इसका कॉम्प्लीमेंट मैप में है कि नहीं, अभी मैप खाली है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टारगेट माइनस ए आई 7, क्या मैप में 7 है, मैप में 7 नहीं है, मतलब अभी तक हमको आंसर नहीं मिला है। ठीक है, तो 2 को डाल दो, 2 को डाल दो, 2 का इंडेक्स पे डाल दो। ठीक है, अब 3 पे आ जाओ, 3 पे आओ, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब 3 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। या सुन रहे हो तो चैट पे बोलो, 3 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, सिक्स 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 है, सिक्स अभी तक हमारे सिक्स मैप में है, सिक्स मैप में नहीं है, मतलब अभी तक हमें सिक्स नहीं मिला है, तो ठीक है, तो 3 को डाल दो, 3 को डाल दो, 3 का इंडेक्स को डाल दो। ठीक है, अब आ गए 1 पे, अब आ गए 1 पे, अब 1 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, टारगेट माइनस ए आई 8, 8 है हमारे मैप में, नो 8 नहीं है, तो ठीक है, तो अब 1 को भी डाल दो। ठीक है, और 1 का इंडेक्स है 2। ठीक है, अब आ गए 2 पे, 2 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 7, 7 है हमारे मैप में, नहीं है, तो ठीक है, अब 2 को फिर से अपडेट कर दो, उसका इंडेक्स को डाल दो, 2 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, अब हो जाएगा 3। ठीक है, अब 2 हो गया, अब 7 पे आओ, अब 7 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 2, अब 2 है मैप में, यस 2 है, मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया, मतलब 7 भी है और 7 में जितना ऐड करना चाहिए वो भी है, 2 है मैप में। ठीक है, तो अब रिटर्न कर दो 7 का इंडेक्स और ये 2 का जो वैल्यू है 3, मतलब वो दो नंबर हमें मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे काउंटिंग, यहाँ पे मैप यूज करके, मैप या फिर हैशिंग एक तरीका यूज करके हम क्वेश्चन को ओ ऑफ एन में ही बना लिए विदाउट दो फॉर लूप लगाए। ठीक है, इसलिए ये ओ ऑफ एन में बन रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है मैप। ठीक है, अब इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक अरे ले लो, 2 3 1 0
37 ठीक है, और टारगेट को ले लो, टारगेट इक्वल्स टू 9 ठीक है, और फंक्शन को लिखो कॉन्स्ट, क्वेश्चन का नाम है टू सम ठीक है सर। फिर उसमें तो दो इंडेक्स रिटर्न होंगे ना फिर। हाँ एग्जैक्टली exactly. तुम्हें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो दो नंबर जो आया है वो दोनों का इंडेक्स रिटर्न करो, तो देख रहे हो 0 1 रिटर्न हो रही है। हाँ इसमें तो एक बार ही है क्योंकि। हाँ तो तुम्हें एक ही बार कोई भी एक नंबर रिटर्न करना है। अच्छा ठीक तो अच्छा देखो यहाँ देख लो ये लाइन पढ़ लो, हर क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा। ओके ओके सर ठीक ठीक है यस ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, तुम लोग बोलो जल्दी जल्दी बोलो, सब समझ में आ गया क्या होगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे ठीक है, फिर क्या करेंगे उसके बाद मैप लेंगे, मैप बना लेंगे पहले सर। मैप उसके बाद सर क्या फॉर करेंगे लूप लेंगे ठीक ठीक है, आई से लेके आई माइनस है सर एन तक ठीक है ठीक है, फिर पहले तो फिर कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, निकालेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और चेक करेंगे वो मैप में है या नहीं। तो मैप डॉट हैज एज क्या टारगेट माइनस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नम्स ऑफ आई। टारगेट ए आर, ये टारगेट माइनस ए आई होता अच्छा है एरे एफ आई, यस सर एरे एफ आई ठीक है, वो मैप में है या नहीं। अगर वो मैप में है देन रिटर्न तब एक अरे रिटर्न कर दो, किसका किसका अरे, आई आई कॉमा कॉमा वो मैप नंबर डॉट गेट जो मैप में हमने डाला हुआ है उसकी वैल्यू। रेफ नो सॉ टारगेट माइनस रेफ आई ठीक है, अगर ऐसा नहीं है मतलब ये रिटर्न नहीं हुआ है, अगर ऐसा देन नहीं सेट है कर लेंगे यहाँ पे एरर्स लिखने का जरूरत है, पहले ये बताओ एरर्स लिखने का जरूरत है। नो सॉ तो ये यहाँ बात कितना लोग समझ में आ गई लिखेंगे है, एरर्स लिखने का जरूरत नहीं है। मैप डॉट सेट रिटर्न, नहीं नहीं पहले ये बताओ यहाँ पे एल्स लिखने का जरूरत है। नहीं सर कि कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो रिटर्न हो जाएगा सर, नहीं है एग्जैक्टली अगर वो रिटर्न ही हो गया तो बस एल्स में जाएगा ही, एल्स में कभी नहीं जाएगा एग्जैक्टली यस सर, मतलब वो एल्स में जा रहा है मतलब वो रिटर्न नहीं अब हुआ वो है, रिटर्न एल्स लिखने का सक्सेस जरूरत, नहीं हुई तो एल्स में चला जाएगा हाँ दूसरे। एग्जैक्टली एल्स लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या सेट करें, जल्दी बोलो मैप में डाल देंगे कि अच्छा ये इंडेक्स वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स ठीक है, ये तो करना है ठीक है, और आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ठीक है। तो लास्ट में तुम क्या रिटर्न कर दोगे, लास्ट में ये जिस पे कभी नहीं आएगा लेकिन अपने तसल्ली के लिए एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर दो, और चलो इसको कॉल करके देख लेते हैं ठीक है। ठीक है देखो क्या रिटर्न होता है, 5 और 0 तो इंडेक्स 5 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स 0 पे क्या है, इंडेक्स 5 पे क्या है 7, और इंडेक्स 0 पे क्या है 2, तो 7 प्लस 2 9 रिटर्न होता है ठीक। बस यही यही तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और मीडियम टाइप क्वेश्चन करते हैं ठीक है, म्यूट पे हो जाओ, कौन म्यूट पे नहीं हो, म्यूट पे कौन नहीं हो, विकास म्यूट कर। सर ये 5.0 क्यों आया सर, 0.5 क्यों नहीं आया, बात बराबर है भाई। देखो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, आई और फिर जो पहले नंबर आ चुका है उसका इंडेक्स,
बात बराबर है, अगर हम ये पहले रिटर्न करते ये बाद में करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर, ठीक है? यस सर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, वो क्वेश्चन है ये, सर अगर पेयर में एक से ज्यादा हो तो, पेयर एक से ज्यादा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यार, देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। सर पेयर ज्यादा हो तो हम बूस्ट करते जाएंगे, अगर ज्यादा हो तो कर दो, जो सबसे पहले मिला उसको रिटर्न कर दो, बात खत्म। और क्वेश्चन चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन चेंज कर दे कि ऐसे जितने पेयर है सबका इंडेक्स रिटर्न करो, तब अरे में स्टोर करते जाओ इंडेक्स और लास्ट में वो अरे रिटर्न कर दो, ठीक है? अरे में स्टोर करते जाना है बस। हाँ ठीक है, हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है तब, अभी ऐसा गिवन नहीं है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है? ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक अरे दिया हुआ है और एक के इंटीजर दिया हुआ है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि ऐसे कितने सारे सब अरेज हैं इस अरे के अंदर जिनका सम के इक्वल है, ठीक है? अब सबसे पहले मुझे चैट में ये बताओ कितने लोग को सब अरे का मतलब नहीं पता है। देखो अभी का टाइम है, पूछना है पूछ लो, बाद में फिर मौका नहीं मिलता है, तो अभी वो झिझक मत रखो कि मुझे आता नहीं आता, कोई जज नहीं कर रहा है। चैट में बताओ कि कितना लोग को सब अरे का मतलब नहीं पता है, कोई क्लास में नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? ठीक है, नहीं सिर्फ पार्ट ऑफ अरे नहीं होता है, इस अरे को देखो, ठीक है, इस वाले अरे का बात हो रहा है, ठीक है? सब अरे होता है अरे का पार्ट जो कंटिन्यूअस हो, अरे का वो पार्ट जो कंटिन्यूअस हो, मतलब सिर्फ टू अरे का पार्ट है, हाँ वो कंटिन्यूअस है, हाँ मतलब सिर्फ टू है तो कंटिन्यूअस होगा ही, टू और सेवन अरे का पार्ट है, हाँ है, और दोनों कंटिन्यूअस है, हाँ दोनों कंटिन्यूअस है, हाँ तो ये एक सब अरे होगा, ये भी सब अरे होगा। ये बताओ 2 और 15 एक सब अरे होगा, ये दोनों अरे का पार्ट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो 2 और 15 नहीं होगा, 2, 11 और 15 होगा, नो ये भी नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस है, नहीं बीच में एक एलिमेंट छूट गया, ये भी नहीं होगा, 7, 11 और 15 है, 15 होगा, यस सर, 7, 11, 15 होगा, ये तीनों कंटिन्यूअस है, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है? तो मतलब समझ में आ गया सब अरे क्या होता है, अरे का पार्ट जो कंटिन्यूअस हो, यस सर, एलिमेंट्स का हो, ठीक है? यस सर, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक इंटीजर अरे दी हुई है और एक वैल्यू के दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कितने सारे सब अरेज हैं इसके अंदर जिनका टोटल सम के इक्वल है, ठीक है? तो पहले चलो इसको उठा लेते हैं, इसको देख लो, ऐसे कितने सब अरे हैं, 1 और 2 एक सब अरे है जिसका सम 3 के इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. 1, 2, another one is 3. और 3 खुद अकेले में एक सब अरे है जिसका सम 3 है, yes, तो sir. ऐसे कितने सब अरे हुए, 2. तो तुम्हें 2 रिटर्न करना है, काउंट बताने कि ऐसे कितने सब अरेज हैं जिनका सम 3 के इक्वल हो जाए,
ठीक है, सबसे पहले इसके कितने सब अरे बनेंगे जल्दी बताते जाओ। एक तो वन होगा, एक तो टू होगा, एक तो थ्री होगा, ठीक है, फिर वन टू होगा, वन टू थ्री होगा, और थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री भी तो होगा। यस सर, ठीक है चल, मतलब बोलने का मतलब कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब ये देखो, अब सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स तरीका तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ। नेस्टेड लूप चला के, सीधा सा बात है, नेस्टेड लूप चला। यस सर, लेकिन नेस्टेड लूप तुम कितना नेस्टेड लूप चलाओगे? मतलब मान लो कोई अरे दिया हुआ है वन टू थ्री फोर का, और के इक्वल टू थ्री ही है, ठीक है, कितना लूप चलाओगे? दो फॉर लूप चलेगा, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद के सारे नंबर को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, मतलब i इक्वल्स टू जीरो से लेके, जल्दी बताओ, जीरो से लेके एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ माइनस वन, सॉरी एरे डॉट लेंथ, मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया है, ये i पहला नंबर लास्ट तक क्यों जाएगा भाई, हमें यस सर n माइनस वन, सर लेस देन एरे डॉट लेंथ होगा ना, सोचो एक बार, एन माइनस वन तक जाएगा क्योंकि अकेले में भी तो ये एक सब अरे है, हाँ कि ना, मतलब जब आखिरी में पहुंच जाएगा तो ये खुद में भी तो एक सब अरे है कि नहीं। अब इसके अंदर वाला लूप कहां से कहां चलेगा? आई प्लस वन से, आई प्लस वन से एन माइनस आई, नहीं आई वन प्लस वन से नहीं चलेगा, आई से ही चलेगा। यस सर, जीरो से चलेगा, आई से चलेगा एन माइनस वन तक, ठीक है, मतलब हम जब लास्ट पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसी एलिमेंट को देखेंगे कि अच्छा ठीक है, नहीं आई प्लस वन तक चलाओ, पहले ही चेक कर लो, पहले ही चेक कर लो, पहले चेक कर लो कि क्या ए आई इक्वल टू के है, ए इक्वल टू लूप, मतलब एक लूप के अंदर ही चेक कर लो, तो काउंट प्लस प्लस कर लो और इसको आई प्लस वन से लेके आखिरी तक जाओ और इसको n माइनस टू तक ही चलाओ। ठीक है, ये क्लियर है, ये वाली चीज ब्रूट फोर्स क्लियर है, ब्रूट फोर्स का कोड लिखेंगे नहीं, जो दिख रहा है वही है, सबको क्लियर है भाई, ब्रूट फोर्स क्लियर नहीं होगा तो बाकी तो तुम समझ रहे हो ना, ब्रूट फोर्स सबसे बेसिक है, ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं कहां से कहां, एन माइनस वन तक ही चलाएंगे, एन माइनस वन तक चलाएंगे पहले वाले को, मतलब एक पहले वाले के पहले तक, मतलब आखिर तक नहीं जाएंगे, ठीक है, एन माइनस टू तक जाके छोड़ दिए, और उसके बाद जे जे जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब अगर इस पे आगे हैं तो सबसे पहले ये देख लोगे क्या यही तो टारगेट इक्वल नहीं है अकेले में, मतलब ये खुद तो के इक्वल नहीं हो जा रहा तो प्लस प्लस कर दो काउंट, ठीक है, अब उसके बाद लूप पे आ जाओ, आई वो उस एलिमेंट का नेक्स्ट तक, और कहां तक जाएगा वो लास्ट तक जाएगा, और उसके बाद तुम क्या देखोगे, एक यहाँ पे नंबर रख लो सम, सम एक वेरिएबल रख लो जीरो का, इसको कर दो जीरो, और सम को प्लस इक्वल टू ए, नहीं यहाँ पे सम को इनिशियलाइज कर दो ए आई से, मैं बस बता देता हूँ ताकि अगर कोई तुम्हें बोलता है कि ब्रूट फोर्स भी लिखो तो ब्रूट फोर्स भी लिखना आना चाहिए, सम को इनिशियलाइज कर दो ए आई से इस लूप के बाहर, ठीक है, और अंदर में ए जे
उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। और ये वाला जो चेक है, ये वाला चेक इसके बाद कर लो कि इफ सम इक्वल्स टू के, ठीक है। या दो हैंड राइटिंग खराब है क्योंकि लैपटॉप लिखना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो कि क्या सम इक्वल्स टू के होता है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ब्रूट फोर्स तरीका है, ठीक है, ब्रूट फोर्स तरीका है, मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये ओ ऑफ कितना में बन रहा है, ठीक है। अब इसको करने का एक बेटर तरीका है, वो बेटर तरीका है फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज करके, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे देखो, ठीक है, पहले एक अरे ले लो एग्जांपल के लिए, इसी को ले लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हैं ना, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं हो रहा है, देखो कर सकते हैं ना, लेकिन स्लाइडिंग विंडो यार देखो बहुत सिमिलर जुलता कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्योर हैशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्लाइडिंग विंडो से मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर तुमने स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है तो तुम्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो भी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये गिवन इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम काउंट स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो एक मैप ले लो, एक मैप ले लो, किसका काउंट स्टोर करेंगे वो मैं बताता हूँ, एक मैप ले लो पहले, ठीक है। और सिर्फ एक लूप चलाओ, मतलब हमें इससे बेटर तरीका पता है, ये तरीका तो ओन स्क्वायर में बन ही रहा था, मतलब इससे एक बेटर तरीका है ओ एन में बनाने का मैप यूज करके, वो तरीका देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, एक लूप चलाओ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, पूरा का जीरो से लेके एन माइनस वन तक का लूप चलाओ, ठीक है। और तुम क्या करो, एन माइनस तक का लूप चलाओ, और एक नंबर ले लो, एक वेरिएबल ले लो जिसको बोल लो प्रीफिक्स सम, अभी प्रीफिक्स सम नहीं पढ़ाई हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है बस अभी उतना पढ़ो, एक वेरिएबल ले लो प्रीफिक्स सम जो स्टार्टिंग में जीरो था, ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो था, ठीक है। अब आ जाओ लूप के अंदर, पहला एलिमेंट आया वन, ठीक है, प्रीफिक्स सम प्लस ए आई कर दो, ठीक है। तो अभी प्रीफिक्स सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रीफिक्स सम हो जाएगा तो वन हो जाएगा, अभी वन हो गया क्योंकि हमने पहले एलिमेंट को ऐड कर दिया प्रीफिक्स सम में, ठीक है। अब तुमको ये देखना है कि तुमको सम कितना चाहिए था, तुम्हें सम चाहिए था कि वो इसके इक्वल हो। अब तुम्हें देखना है कि मैप में कोई ऐसा अभी तक सब अरे सम आया है जो इसका कॉम्प्लीमेंट स्टोर कर रहा है, मतलब मैप स्टोर करेगा सब अरे का सम स्टोर कर रहा है मैप, मतलब अभी का सम आया वन, ठीक है, और हमें चाहिए था कि तीन हो जाए, मतलब क्या मैप में टू है, नो सर, मैप में टू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने वाली चीज में क्या करेंगे, मैप में क्या डाल देंगे, मैप में अभी तक का जो सम आया है उसको डाल देंगे, ठीक है। अभी तक का सम क्या आ गया है, वन, मतलब एक सब आ रहे है जिसका सम वन है, इस सब अरे का सम स्टोर कर रहे हैं इस मैप में, वन, वन को डाल दो, उसकी वैल्यू क्या रखोगे, उसकी वैल्यू को रखोगे काउंट में, काउंट। तो अभी सबसे पहली बार जब वन आया है तो काउंट कितनी हो जाएगी, मतलब ऐसा एक ही सब आ रहा है जिसका सम वन है तो वन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आओ, टू, ठीक है, तो ये प्लस प्लस हो गया, अब सब आ रहे वन प्लस टू हो गया, क्या हो गया, थ्री, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आए तो अब थ्री, क्या थ्री में कितना माइनस करेंगे तो थ्री ही आएगा, जीरो, जीरो, जीरो है मैप में, नो नहीं, इसीलिए एक चीज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था
कि मैप को इनिशियलाइज जीरो और वन से करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। मतलब इसमें एक सब एरे है, कोई ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो है। मतलब ऐसा बोलने का मतलब कि एक भी एलिमेंट को नहीं लेंगे, एम्प्टी एरे को लेंगे। तो एम्प्टी एरे का सम क्या होता है? एम्प्टी एरे का सम क्या होता है? जीरो होता है ना। तो जब हम मैप इनिशियलाइज कर रहे होंगे ना, स्टार्टिंग में जब मैप बना रहे हो, मैप इक्वल टू न्यू मैप जो भी कर रहे हैं, उस समय मैप में जीरो डाल देंगे और उसकी वैल्यू वन कर देंगे, ताकि एक एम्प्टी एरे ये भी होती है। तो हम जब यहाँ पे ये पढ़ रहे थे ना कि कितने सारे सब एरे होंगे, एक एम्प्टी सब एरे भी सब एरे होती है, ठीक है, और उसकी सम क्या होती है? जीरो। तो ऐसी कितनी एरे है? एक, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर तक पहुँच गए, मतलब हम यहाँ तक पहुँचे, तब हमने देखा कि अच्छा तीन इसका प्रीफिक्स सम है, मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तब इसमें कितना ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, जीरो। सर एक्चुअली पावर ऑफ सेट का जो फाइव वाला सेट होता है, उस तरीके से जब सब एरे हम लोग करते हो तो पावर ऑफ सेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसी तरह उसके अंदर जो फाइव बोलकर जो नल सेट रहता है, उसी तरह हम लोग एक मैप के अंदर नल वैल्यू यानी जीरो को डाल देंगे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये करने से ना हमारा क्वेश्चन, मतलब ये अरे ये मैप क्या स्टोर कर रहा था? अभी तक जो भी सब आ रहा है, सब अरे आ चुका है अभी तक, उसका सम। तो जब अभी तक हम ट्रैवर्सी नहीं किए थे, तब भी तो एक एम्प्टी सब अरे था ही, और उसका सम क्या था? जीरो। तो हमने जीरो डाल दिया था, वन डाल दिया था, फिर हमने अरे में ट्रैवर्स करना चालू किया, वन पे आए तो देखे कि अच्छा टू है पहले से, टू नहीं था, ठीक है, तो वन को डाल दो, वन कर दो। जब वन और टू दोनों पे आ गए, यहाँ तक का सब एरे बन चुका है। अब ये यहाँ तक का सब एरे में कितना ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, जीरो ऐड करेंगे, और जीरो पहले से है यहाँ, मतलब हमें एक तो मिल गया है, तो आंसर वन हो गया। अब प्लस, ठीक है, आंसर वन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मतलब हमें क्या मिल गया? हमें थ्री का सम मिल गया है, तो थ्री को भी डाल दो, मतलब थ्री सम मिल गया ना, थ्री सम एक बार आया है। अब इस वाले नंबर पे आ जाओ, तो ये भी ऐड हो जाएगा, इसको भी ऐड कर दो प्रीफिक्स सम में, ये ऐड हो गया, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया? सिक्स, ठीक है। अब इसमें सिक्स में कितना ऐड करेंगे, या फिर कितना मतलब वो मतलब कितना ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, या फिर मतलब इसका कितना कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा तो थ्री होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम कर क्या थे, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाला तरीका जो मैंने बताया था, और तुम्हें याद हो, टारगेट माइनस प्रीफिक्स सम कर रहे थे, यही कर रहे थे ना? यस सर, ठीक है। या फिर इसको तुम उल्टा बोलो, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ले जाएंगे नहीं तो, एब्सोल्यूट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चेक करना है कि प्रीफिक्स माइनस के, प्रीफिक्स माइनस के एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। प्रीफिक्स सम मतलब प्रीफिक्स सम माइनस के एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम हमारा सिक्स तक आ चुका था, और उसे हमें चाहिए था वो थ्री हो, और थ्री पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसे वन टू थ्री है ना, तो यहाँ तक का सम हमें पता है वो थ्री है, यहाँ तक का सम हमारा सिक्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सिक्स में जब हम थ्री घटाएंगे तो ये वाला एलिमेंट सिर्फ नहीं मिल जाएगा, मतलब एक और सब एरे है, मतलब समझ में आया? मतलब ऐसा देख लो, वन टू थ्री फोर, ठीक है, यहां तक का सम कितना है? थ्री, ठीक है। अब इस पूरा का सम कितना है? वन टू थ्री फोर का सम कितना है? तुम लोग सोच लो कितना है सम? टेन है। तो अगर टारगेट दिया हुआ था सेवन, एक टारगेट सेवन है, तो तुम बड़ी वाली सब एरे का सम कितना आ गया? अभी टेन आ गया,
मैप में थ्री सम मौजूद है, मतलब भाई कौन है जो म्यूट पे नहीं है? भाई देखो, अगर पढ़ने का किसी को मन नहीं है तो अभी छोड़ दो, 10 मिनट बचा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, ठीक है? ध्यान से सुनो, इतनी बार रिपीट करके तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड में ही चीज करेंगे, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक का सब एरे का सम हमें 10 मिल चुका है, ठीक है? हम यहाँ तक ट्रैवर्स कर लिया, उसका सम 10 आ गया, और पहले एक सब एरे था जिसका सम 3 था, जो हमने मैप में डाल रखा है कि 3 एक बार आया, तो जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं सम का, और डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 7 हमारे टारगेट के इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों के बीच का जो एलिमेंट बच रहा है उसका सम 7 है, और वो टारगेट के इक्वल है, मतलब हमें वो आंसर मिल गया, और काउंट कर के +1 कर दो कि हाँ एक आंसर तो मिल गया। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब समझ में आया? एक बार और मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। मान लो एक ऐसा एरे गिवन है, 1 2 3 4, एक ऐसा एरे गिवन है और टारगेट गिवन है 7, ठीक है? तुम्हें बताना है कि कितने सब एरे हैं जो जिनका सम 7 होता है, ठीक है? मैप में सबसे पहले 0 को डाल दो, एक खाली सब एरे, खाली सब एरे भी तो होती है 0 वाली, और वो एक बार आई है, ठीक है? वो डाल दो, अब शुरू करो यहाँ पे स्टार्टिंग से सम, प्रीफिक्स सम, ठीक है? पीएस बोल दो इसको, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया तो प्रीफिक्स सम हो गया 1। अब ये दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब अभी तक का सम 1 है और हमें कितना चाहिए था, 7, तो मतलब 6 है हमारे मैप में, मैप में 6 नहीं है, ठीक है? तो अभी वाला सम को डाल दो, अभी वाला सम को डाल दो, ठीक है? अब आ जाओ यहां तक का सम, यहां तक का सम कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 में और 3 और 7 कितना डिफरेंस है, 4, क्या 4 है यहां तक, यहां पे नहीं है, तो 3 को डाल दो, 3 एक बार आया। अब यहां तक आ जाओ, यहां तक का सम, यहां तक का सम कितना हो जाएगा, 6। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 1, और ये दोनों का डिफरेंस 1 है, क्या 1 है हमारे इसमें, 1 है एक मिनट को, इस केस में इसलिए मैं बोला था एब्सोल्यूट नहीं होगा, इस केस में प्रीफिक्स माइनस टी हो रहा है, मतलब 6 माइनस 7 है यहाँ, 6 माइनस 7 यानी -1 है यहाँ, -1 कहाँ है भाई, -1 तो नहीं है ना, तो 6 को डाल दो, 6 को डाल दो, 6 एक बार आया है। अब पूरे का सम लो, आखिरी एलिमेंट पे पहुंच गए हैं, 6 प्लस 4 10 10। अब प्रीफिक्स सम मतलब पीएस, पीएस माइनस टी करोगे तो कितना आएगा, पीएस माइनस टी करोगे तो कितना आएगा, 4 4 कैसा आएगा, 3 3 सर, 10 माइनस 3 आएगा, सॉरी भाई तुम लोग सही में या तो सो रहे हो या तो पढ़ने का मन नहीं है, दो ही चीज है, 3 आएगा। अब 3 है मैप में, यस सर, मतलब यहां तक का सम, हाँ अब अच्छा समझ में आएगा, अब यहां तक का सम, रुक जाओ, ये फिर वही चीज होता है, ये बोल्ड नहीं हो रहा है, मतलब यहां तक का सम 10 है और मैप में एक सम मौजूद है 3 वाला, मतलब यहां वाला, मतलब 1 और 2 वाला जो जो 3 है, और हमारा कंसर्न सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रीफिक्स माइनस टी
मौजूद है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में, मतलब ये बड़ा वाला और ये दोनों के बीच में जो भी नंबर है वो हमारा आंसर है। मतलब 3 और 4 7 होता है। यस सर एग्जैक्टली, तो उसका काउंट बढ़ा दो। हाँ ऐसा एक सबारे तो मिल गया, वो सबारे था 3, एक सबारे मिल गया वो था 3 और 4 और काउंट बढ़ा दो। अच्छा हाँ एक सबारे मिल गया, ठीक है। अब इसी अरे में एक और नंबर होता 7 खुद होता सबसे लास्ट में, 7 खुद, ठीक है 7 लास्ट में खुद होता, तो उस केस में पीएस क्या हो जाता टोटल 17। यस सर ठीक है, और पीएस माइनस टी क्या होता 10। अब देखो यहां तक का सम, यहां तक का सम को भी तो डालोगे, यहां तक का सम जो आया था कितना आ गया था, यहां तक का सम 1 2 3 4 इन लोगों का सम कितना आया, वहां भी 10 ही था। अरे भाई 1 2 3 4 ये सब का सम कितना आया 10। हाँ तो ये भी तो डाल दोगे, ये भी क्यों में डाल दिया। तो जब हम यहाँ लास्ट में पहुंचे, देखो कंफ्यूज मत हो, बोलने का मतलब है कि इस टाइप कह रहे हैं 1 2 3 4 लास्ट में 7, मतलब जब हम यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, जब हम लास्ट में पहुंचे 7 पे तब टोटल सम आ गया 17 और हमारा पी एस माइनस टी आया 10 और मैप में 10 मौजूद है। Yes. पहले वाला मौजूद है। हाँ हाँ मौजूद है, इसका मतलब एक सबारे एक और है जिसका सम 7 हो रहा है। वो कौन सा सबारे है, वो खुद ही ये वाले को माइनस कर दो, मतलब सब पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाले का सम था 17 और ये 10 वाला सम कौन सा था, ये वाला सम था 10। बचा क्या 7। Yes. मतलब ये सिर्फ ये वाला 7 की वजह से एक और काउंट आ गया, तो ऐसा हमें 2 सबारे मिल गया 3 4 और 7। ठीक है एग्जैक्टली, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2, ऐसा 2 सबारे है। अगर अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि नहीं तुम काउंट सिर्फ मत दो, तुम ये भी दो कि वो कौन सा सबारे था, तो उस केस में तुम्हें ये रिटर्न करना होगा कि अच्छा वो ये वाला सबारे है 3 4 और 7। ठीक है हो गया एक और 3 और 4 एक अलग दूसरा हो गया। हाँ ठीक है, काउंट सिर्फ पूछा तो 2 रिटर्न कर दो, नहीं तो पूछा कि नहीं वो कौन सा वाला सबारे था जिसका सम 7 था, ठीक है तब ये और ये। ठीक है तो अभी बस काउंट पूछा जा रहा है, तो अभी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्वेश्चन और आसान है। ठीक है इसका कोड जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन 9 बज गया है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका कोड करेंगे फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है सर करके लाएंगे, खुद कर लेंगे। ठीक है जो लोग कर सकते हो कर लो, मैं तो खुद बोलता हूँ कि खुद से क्वेश्चन बनाने का आदत लग गया तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्या क्वेश्चन नंबर देखो ये मैं भेज दूंगा, देखो अभी भेज रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे। नहीं भाई मैं डिपार्टमेंट का टेक लीड नहीं हूँ। सर आपने हैशिंग वाला जो बताया था जिसके हाँ? अंदर हम पहले एक एम्प्टी एरे बना लेते हैं हाँ? उसके अंदर सर वो स्पेस वेस्ट नहीं जाता होगा? हाँ एग्जैक्टली वेस्ट जाता है बहुत बार, सही बात है। वो सर एक नेगेटिव काउंट उस वो था स्पेस। हाँ हाँ वैसे क्वेश्चन में करवा दूंगा उसका, तुम टेंशन ना लो वैसे क्वेश्चन में करवाऊंगा। हाँ सर उसमें भी यही पूछ रहा था कि उसमें भी वेस्ट जाता होगा अगर कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए तो एंड वाला। बिल्कुल बिल्कुल होता है सही बात है। ओके ठीक है मैं बस तुम्हें वो गूगल डॉक भेज देता हूँ।